नमस्ते, आपका फिर स्वागत है आज मिरर वर्क प्रैक्टिस के डे 13 में। 13वां दिन, अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। बधाई हो, आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए हैं। आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप अपने विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं और अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने लगे हैं? क्या आप महसूस करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपके दिन आरंभ करने के तरीके से। क्या आप जानते थे कि सुबह का पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है? आप उसे कैसे बिताते हैं यह आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा। आज आपने दिन का आरंभ कैसे किया? जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या आपने किसी बात की शिकायत की? क्या आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत, ओ शिट, फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा, सत्यानाश के साथ करते हैं। यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। कभी भी यह संभव नहीं है। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करते हैं तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। लेखिका कहती है, मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं अपने बिस्तर में और अंदर घुस जाती हूँ और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद कहती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूँ, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के पास लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया है कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊँ। मैंने आराम से काम करना सीख लिया है। यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता है जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है तो यह महत्वपूर्ण है कि अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि मैं तो सुबह यह अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। भले ही आपके लिए स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। 10-15 मिनट भी दें, यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसे दिन को गति दें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करिए और शुरुआत कर दीजिए। जब आपको उस नियम की आदत हो जाए तो दूसरा नियम ले लीजिए और अभ्यास करते रहिए। आइए अफर्म करें,
आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक नए अद्भुत भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। आपका 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप सुबह जाकर अपनी आँखें खोलें तो स्वयं से ये अफर्मेशंस कहें, गुड मॉर्निंग, मेरे बिस्तर इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है, मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अब थोड़ी देर आराम से बैठें और इन अफर्मेशंस को अपने मन में प्रवाहित होने दें, दोहराएं, फिर उन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें। जब आप उठने के लिए तैयार हों तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं, गहराई से अपनी आँखों में देखें, उस खूबसूरत प्रसन्न शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में आपसे बात करना चाहता है। आईने में देखते समय ये अफर्मेशंस बोलें, गुड मॉर्निंग उत्पल, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ, आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और फिर स्वयं को कोई अच्छी बात कहिए, जैसे, ओह आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है, मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो, शक्ति आपके अंदर है। आपका 13वें दिन का दैनिक अभ्यास। अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं, वे सब तरीके लिखें जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। अपना नियम आप खुद बनाएं। अपने सुबह के नियम में इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 अफर्मेशंस लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप नाश्ता बनाते हैं और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं, उन सब मौक़ों के लिए अफर्मेशंस लिखें। यदि आपको दैनिक नियम के लिए अफर्मेशंस और उदाहरण चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ डिमांड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 13वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। आपके आगे दरवाज़ों का एक अंतहीन गलियारा है जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। जब आप आगे बढ़ें तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें जो आप पाना चाहते हैं। स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते देखें। स्वतंत्रता के लिए, स्वमूल्य एवं आत्मसम्मान और स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है और आप सबसे पहले कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे? विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छा है, और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है या कौन सा बंद हो रहा है, आप हमेशा सुरक्षित है। आइए अब ध्यान करते हैं। आपका 13वें दिन का मेडिटेशन, प्रेम के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस। अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, मेरी आवाज़ पे ध्यान दें। इन अफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें।